नेपाल के इस मंदिर में बलि चढ़ाने के बाद दोबारा से जिंदा हुआ भेसा, देखकर आप भी रह जाएंगे दंग। भारतीय मंदिरों की अपनी एक अलग संस्कृति और अपनी एक अलग पहचान है। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ पर बलि चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कुछ मंदिरों में तो ये परंपराएं बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ जगह पर आज भी ये प्रथा चली आ रही है। माना जाता है कि पशु बलि से देवी प्रसन्न होती है, लेकिन आज हम आपको हैरान कर देने वाली एक ऐसी सत्य घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर बलि के बाद कैसे एक भैंसा दोबारा से जिंदा हुआ। विष्णु, जिसकी जन्मभूमि नेपाल थी, लेकिन वो अपनी पत्नी और 7 साल के एक बेटे के साथ बिहार के छोटे से गाँव में रहता था। वो हर साल एक महीने की छुट्टी लेकर अपने घर नेपाल जाता था। विष्णु को साल 2006 में नेपाल जाना पड़ा था क्योंकि उनके गांव के समीप गदीमाई मंदिर में पूजा थी। पूजा के दौरान वो एक महीने की छुट्टी लेकर फिर से अपनी पत्नी तथा बेटे के साथ नेपाल में स्थित अपने घर पहुंचा। अगले दिन से उनके गांव में पूजा शुरू थी। लगातार दिन दिन चलने वाली इस पूजा में अलग अलग तरह से पूजा पाठ हुआ और अंतिम दिन एक भैंसे की बलि दी जानी थी। विष्णु ने बताया कि वैसे तो वो कई ऐसी पूजा में शामिल हुआ है जहाँ पर पशु बलि दी जाती थी। विष्णु ने बताया कि पशु बलि देते समय एक तेज धार हथियार से बकरे का या भैंसे का धड़ शरीर से अलग किया जाता है। एक ही चोट में पशु की बलि चढ़ाई जाती है। इसके बाद इस बलि से मंदिर के पुजारी प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। लेकिन इस बार उसे एक खास चमत्कार देखने को मिला जिसे देख वो दंग रह गया। परंतु आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। पूजा के आखिरी दिन गांव के सभी लोग भैंसे की बलि के लिए तैयार थे और इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाना था। पुजारी ने कुछ दाने चावल के लिए और उन्हें मूर्ति को स्पर्श कर उस भैंसे के ऊपर डाल दिए। उसके बाद एक व्यक्ति तेज धार हथियार के साथ आया और भैंसे को एक स्थान पर खड़ा कर उस पर उस हथियार को चलाने ही वाला था कि तभी वो भैंसा बेहोश होकर नीचे गिर गया। सभी को ऐसा लगा जैसे पलक झपकते ही भैंसा का सिर धड़ से अलग हो गया हो। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसमें प्राण ही ना बचे हो। सभी ये देख हैरान हो गए कि बिना हथियार के ही ये भैंसे की बलि कैसे चढ़ गई। इसके बाद पुजारी ने फिर से कुछ चावल के दाने लिए और उस भैंसे के ऊपर फेर दिए। जैसे ही पुजारी ने चावल के दाने भैंसे के ऊपर गिराए तो वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। सभी लोग इस दृश्य को देख दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने इस अद्भुत चमत्कार को जब देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस चमत्कार के बाद उस भैंसे को छोड़ दिया गया। विष्णु कहते हैं कि पशु बलि को आस्था के रूप में देखा जाता है, इसलिए यहाँ सैकड़ों लोग पशु की बलि लिए पहुंचाते हैं। कहते हैं जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है वो इस मंदिर में आकर पशु बलि देता है। दोस्तों, कहा जाता है कि गदीमाई मंदिर में हर 5 साल में एक बार मेला लगता है जिसमें पशुओं की बड़ी संख्या में बलि दी जाती है। इस दौरान मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। माना जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा पशु बलि इस मंदिर में ही दी जाती है। इस मंदिर के बारे में ये भी कहा गया है कि अब यहाँ पशु बलि पर रोक लगा दी है। अगर आपके आसपास भी ऐसी रहस्यमय मंदिर है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट का नाम भी जरूर लिखें।